क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए और अदरवाइज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस हैं किसी प्रकार का तो पूछ सकते हैं। आप कितना माला कर रहे हैं? एक माला। वेरी गुड। आपके साथ जो बैठे हैं आप कितना माला कर रहे हैं? एक एक माला कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, हथियार टांग करके बैठे हैं अपना, है ना। तो जो जो माला कर रहे हैं कम से कम हथियार टांग करके लाना चाहिए अपना। ये हथियार है ना, हथियार का नाम क्या इसका? मैंने बताया था क्या इसका नाम, क्या नाम है इसका? है RK-108। क्या नाम है? AK-47 होता है ना, AK-47 नहीं है, ये RK-108 है, है ना, राधा कृष्ण 108। तो RK-108 लेके करो साथ में, है ना। तो जब भी मन रूपी शत्रु है आपको सताएगा तो क्या करेंगे, RK-108 निकाल करके उस पर धाए धाए करके वार करना चालू कर देंगे। कि मन को तो मार ही नहीं सकते ना, मन को तो कोई देख ही नहीं सकता, कैसे मारोगे मन को, संभव ही नहीं है। हम सब बोलते हैं मन में ऐसा आया, मन में वैसा आया, लेकिन आप सब लोग साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में आज तक कोई डायमेंशन आया कि मन कितना मोटा होता है, कितना इसका डायमीटर, कितना इसका चौड़ाई लंबाई, पता चला आज तक? पता ही नहीं चला। लेकिन सब करते हैं मन में ऐसा आया, मन में वैसा आया। तो मन को तो संभव ही नहीं है कि हम मन को कैसे जीत पाएंगे। तो दिखता तक नहीं, इसका कुछ डायमीटर पता नहीं, कुछ इसका रेडियस पता नहीं, इसका कुछ वेट पता नहीं। बाकी सब पता है कि दिमाग कितना लंबा चौड़ा होता है, कितना होता है दिमाग, आम बोलचाल की भाषा में बोलते 250 ग्राम का दिमाग है सबके पास, है ना। कितना होता है एग्जैक्ट तो पता नहीं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, लेकिन मन का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। मन होता कहाँ है? शरीर के किस भाग में छिपा बैठा है, और यही सबसे बड़ा नालायक हमारा शत्रु है, है ना। तो ये जो मन रूपी शत्रु हमारा है, ये किसी और हथियार के वश में नहीं आने वाला है, ये एक ही हथियार के वश में आता है, वो है नाम, भगवान का नाम रूपी हथियार। तो इसलिए RK-108 सबके पास होना चाहिए, है ना। अभी पुलिस वाले जो हैं ये बंदूक ऐसे थोड़े रख लेते हैं किसी जेब में, किस में रखते हैं बंदूक को, पिस्टल को किस में रखते हैं, कवर में रखते हैं। तो इसलिए RK-108 हथियार तो अंदर है और बाहर उसका कवर है, है ना, कवर में रखना चाहिए। अगर हथियार को दिखाएंगे तो डर जाएंगे सब लोग, तो इसलिए कवर में रखा जाता है, ठीक है। वैसे सबके पास माला होनी चाहिए, माला सबको लेना चाहिए, नाम जप माला जप सबको करना चाहिए रोज नियमित रूप से। जो है एक माला कम से कम सब कर सकते हैं, 10 मिनट लगेगा, थोड़ा मंत्र बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने मूवी वूवी तो सबने देखी होगी, है ना। जो पिस्टल होती है 6 राउंड वाली पिस्टल, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं, है ना। और वे बड़ी बड़ी जो होती है ना, क्या बोलते हैं, गन मशीन्स वगैरह, उनमें पूरा मैगजीन निकलता है एक साथ, थड़ 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 वो मैगजीन ऐसे गिरता रहता है पूरा एक साथ, पूरा उसका जो होता है एक क्या बोल सकते हैं, पूरी एक पट्टी की तरह निकलती है, एक साथ मैगजीन निकलती है ना। तो आप सोचेंगे इतनी बड़ी मैगजीन चलाएंगे तो जो है बड़ा थक जाएंगे हम, तो छोटी पिस्टल ही चलाएंगे, छोटी छोटी गोली वाली, तो ज़्यादा फिर असर नहीं दिखाएगी, छोटी गोली लाइक असर दिखाएगी। बड़ा मैगजीन जो पीछे से निकल रहा है देखा होगा ना आपने मूवीज में, एक साथ पीछे से मैगजीन से निकलती रहती है, आगे जो है फायर होता रहता है। तो उसी प्रकार इधर लग सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा बहुत है, लेकिन मैगजीन की तरह है, एकदम गन मशीन से जो निकलती है बड़ी बड़ी गोलियां एक साथ थर्ड थर्ड। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो बहुत सरलता से जो है हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी तो भगवान के अनंत नाम है, हम किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करके अगर हरे मंत्र का रोज नियमित रूप से जप करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे मन में उत्पन्न सारी उल्टी सीधी हरकतें जो हैं वो सब अपने आप डाउन हो जाएंगी, मन फोकस्ड हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। तो कोई प्रश्न है किसी का, किसी प्रकार कोई प्रश्न पूछ सकते? हाँ, क्या क्या माला करते हो, कैसा लगता है? हाँ, क्योंकि ऐसा होगा, प्रयास करना पड़ेगा, मन को आदत नहीं है ना। मन को अब 3 घंटे की मूवी दिखा लो तो मन कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा यहीं बैठा रहे उठना मत, इसके बाद दूसरी मूवी और लगा ले उठना मत लेके, उसमें मन पूरा अच्छे से लग जाएगा, है ना। क्रिकेट दिखा लो, मूवी दिखा लो, उसे मन लगा रहेगा, कभी नहीं बोलेगा कि वो डिस्टर्ब है। लेकिन माला करने बैठो तो मन बोले क्या कर रहा है, कहाँ बिठा दिया, किधर आ गया मैं, 5 मिनट 10 मिनट मन जो है परेशान होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की प्रवृत्ति है
कि जो भी हमारे काम की चीज होगी ना, वो काम की चीज हमको करने नहीं देता। जो हमारे काम की चीज है वो मन हमें करने नहीं देगा। कभी ऐसी इच्छा होती है कि फिजिक्स की क्लास डेढ़ घंटे की हुई, तीन घंटे की होती तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा लगता है कभी? वो डेढ़ घंटे में लगता है जैसे जो डेढ़ घंटे का होता होगा आपका पीरियड, मुझे नहीं पता एक का होता है डेढ़ घंटे का, लेकिन जैसे समय बीतने लगता है ना, आखिरी के 10-15 मिनट जब बचते हैं, बस ये पीरियड खत्म हो जाए, बस बाहर जाऊंगा समोसा खा के आऊंगा बस। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि डेढ़ घंटे हुआ पढ़ाई करते हुए, चलो तीन घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मन का हमारा प्रवृत्ति नहीं अच्छे कार्य करने का। मन जो है हमारा इतना बदमाश है कि अच्छे काम में लगना नहीं चाहता, फालतू काम में तुरंत लग जाएगा। फालतू उसको जो है मोबाइल लेकर के बैठ जाओ और केवल स्वाइप करने लग जाओ, शॉर्ट वीडियोस को निकाल कर, कब एक घंटा निकल जाएगा तो मन ही बोलेगा रे यार इतनी जल्दी एक घंटा भी दिया गया, चल कोई बात नहीं थोड़ा 15 मिनट है ना। लेकिन अच्छा काम करने बैठोगे तो अच्छे काम में लगेगा नहीं। ये मन का प्रवृत्ति है, मन हमारा भयंकर शत्रु है। तो क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती उसको लगाना पड़ेगा, है उसको प्रलोभन देना पड़ेगा मन को कि बस 5 मिनट की तो बात है भैया, इधर उधर काहे भाग रहा है, 5 मिनट ठीक से नाम जप कर लेना, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। ऐसे करके उसको प्रलोभन दे दे करके उसको सुनाना पड़ेगा, है ना। मन को बोलना पड़ेगा बेटा मन थोड़ी देर नाम जप कर ले, उसके बाद तेरे को पिज्जा खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा। ऐसे मन को प्रलोभन देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अभ्यास के द्वारा हम जो है दक्ष बन सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई प्रश्न? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाम जप करते समय मन ज्यादा भटके। ऐसे इतना नहीं भटकेगा, नाम जप करते समय ज्यादा विचार आते हैं, है ना। जो नाम जप करते हैं, जो रोज माला करते हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जब माला करने बैठते हैं तो विचार ज्यादा आते हैं। उसका कारण क्या है? उस समय ज्यादा विचार आने का, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी, या उस समय ज्यादा गंदे विचार भी आते हैं, उल्टे सीधे कहीं ना कहीं के कहीं भी विचार आते हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे अभी ये हॉल हमें दिखाई दे रहा है, अभी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है ना, ऊपर देखने में जब साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन जैसे अगर हम झाड़ू लेकर के इसकी सफाई करना चालू करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या दिखाई देगा? धूल ही धूल, इतनी धूल है यहाँ पे, इतनी धूल है, है ना। तो झाड़ू निकालने से पहले ज्यादा साफ दिख रहा था, लेकिन झाड़ू निकालते समय ज्यादा धूल दिखाई देगी। कारण क्या है? गंदगी ऊपर आ रही है। तो वैसे जब भगवान का नाम लेते हैं तो गंदगी ऊपर आती है, उल्टे सीधे विचार ज्यादा आएंगे, मन इधर उधर ज्यादा भागेगा, विचार ज्यादा आएंगे, यानी गंदगी ऊपर आ रही है। लेकिन अगर हम हौसला नहीं हारेंगे, नाम लेते रहेंगे, तो गंदगी ऊपर आते 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 निकल जाएगी, परमानेंट निकल जाएगी। जब कभी कभी परेशान हो जाए झाड़ू निकालते हुए, कह रहे यार झाड़ू नहीं निकाल रहा था तभी ज्यादा साफ लग रहा था, निकालते टाइम तो 1 किलो धूल निकल गया, हटा हो गया, छोड़ो इसको रास्ते में, है हार गए, अगर हिम्मत हार गए तो मेरे धूल वैसी रह जाएगी। थोड़ी सी हिम्मत करके हम निकाल ही दो, जब इतना निकाल दिया है तो थोड़ा कष्ट ज्यादा होगा। तो वैसे होता है, जब भगवान का नाम जब करते हैं तो विचार ज्यादा आते हैं, आते 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 फिर जो फालतू के विचार हैं सब परमानेंट निकल जाते हैं, है ना। और कोई प्रश्न? किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, अंदरूनी समस्या, बाहर कर्मा समस्या, शरीर समस्या। आज जो मैंने एक श्लोक डाला था 18वें अध्याय का 14वें नंबर का श्लोक, उसके बारे में पहले भी चर्चा किया है कई बार, ये श्लोक मेरे पीछे भी दोहराइएगा, सब बोलिएगा, अधिष्ठानम अधिष्ठानम। ये 18वें अध्याय में 14वें नंबर का श्लोक है, जिसमें कि भगवान बताते हैं कि कौन से किस प्रकार के कार्यों के द्वारा हम बड़ी सरलता से अपने कर्मों को अच्छे से कर सकते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्तां कर्णं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथग्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमं। इसमें भगवान अर्जुन को बताया है कि कोई भी कर्म अगर हम करना चाहते हैं तो कर्म करने के लिए 5 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कर्म का स्थान। कर्म करना चाहते हैं तो किसी स्थान पर रह करके ही कर्म करेंगे, है ना, तभी कर्म होगा। और कर्म करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इच्छा से भी ज्यादा आवश्यक क्या है?
हैं। जोर से बोलो, लगन और कर्म करने के लिए पहले कर्म करने वाला तो होना चाहिए। कर्म तभी तो होगा, कर्म करने वाला कोई होगा। तो कर्म करने के लिए पहला आवश्यक है कर्म करने का स्थान, दूसरा आवश्यक कर्म करने वाला उस स्थान पे प्रेजेंट भी होना चाहिए, है ना। कर्ता, कर्ता होना चाहिए। जैसे कर्म करने का स्थान क्या है, आप लोगों के लिए कर्म करने का स्थान क्या है, आपका कोचिंग की क्लास, आपकी सेल्फ स्टडी की टेबल, है ना, ये आपके कर्म करने का स्थान है जहाँ बैठ करके आप कर्म करते हैं। लेकिन आप क्लास में भी प्रेजेंट नहीं है, स्टडी टेबल पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो कर्म होगा नहीं। तो कर्म करने वाला भी रहना चाहिए, कर्म करने का स्थान भी होना चाहिए और कर्म करने वाला भी होना चाहिए। अब कर्म करने का स्थान तो है, माता पिता आए आकर के चकाचक एकदम शानदार रूम दिला दिया, अच्छा उसमें एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, कि पंखा अच्छा लगा है, अच्छा टेबल है, सब कुछ है, कर्म का स्थान बड़ा अच्छा है, अच्छी कोचिंग में भी एडमिशन करा दिया, क्लासरूम भी एकदम चकाचक है, बढ़िया शानदार, कर्म करने का स्थान बड़ा सुंदर है, अच्छा है, एक कर्म करने वाला प्रेजेंट ही नहीं रहता है वहां पे, तो कर्म कैसे होगा। तो कर्म के संपादन के लिए पांच चीज आवश्यक है, पहला हो गया कर्म का स्थान, दूसरा कर्ता कर्म करने वाला, और तीसरा कोई भी कर्म हम करते हैं तो किसी ना किसी माध्यम से करते हैं, हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लें कि अगर आपको जो है डॉक्टर को अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन किसी उंगली से तो नहीं करेगा, चीटफाट कैसे करेगा, सीजर से करेगा, नाइफ से करेगा, है ना, चाकू छुरी चाहिए तब तो चीरफाड़ होगी। अब मान लो सीजर उसने लगाया उसको चीरफाड़ करने के लिए, उस सीजर में जंग लगा है या उसकी धार नहीं है, तो डॉक्टर कितना भी अच्छा हो क्या उसको ऑपरेशन कर पाएगा। अगर उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो बिना इंस्ट्रूमेंट्स को अपना कार्य थोड़ी ना कर सकता, कितना ही लर्नेड डॉक्टर क्यों ना हो, कितना MBBS हो, MD हो, कितना भी क्यों ना हो, उसके पास अगर उपकरण नहीं है तो कार्य वो कर्म अपना नहीं कर सकता है। तो तीसरी चीज क्या रिक्वायरमेंट है कर्म करने के लिए, उपकरण चाहिए, और उपकरण किस रूप में चाहिए, उनकी क्वालिटी A1 क्वालिटी के उपकरण होने चाहिए तभी तो कर्म कर पाएगा। हैं, चलो डॉक्टर का छोड़िए, आप लोग कभी फल फल काटे सब्जी काटते हो या फल काटते हो, अगर चाकू में धार नहीं है तो फल काट पाओगे, सब्जी काट पाओगे, नहीं काट पाओगे, कितने एक्सपर्ट हो आप कुकिंग करने में, ये चाकू में अगर धार नहीं है तो कुकिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। तो उपकरण कैसा होना चाहिए, धार वाला A1 क्वालिटी का होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। आप कितने भी स्किलफुल क्यों ना हो, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन आपका जो उपकरण है अगर उस उपकरण में क्वालिटी नहीं है तो भी कर्म ठीक से नहीं होगा। तो उपकरण क्या है, हमारे कर्म करने वाले उपकरण क्या है, आपका कर्म है पढ़ाई करना, आपके कर्म का स्थान है आपकी स्टडी टेबल या कोचिंग क्लास या जहां पर बैठ करके आप पढ़ते हैं, वो कर्म का स्थान हो गया। अब उपकरण भी तो चाहिए कर्म करने के लिए, उपकरण क्या है, किताबें उपकरण नहीं है, किताबें तो आपका केस है, जैसे कि मरीज होता है ना, तो डॉक्टर के मरीज उसका केस है, उपकरण तो वही जिससे वो चीरफाड़ करेगा उस केस में, पेन उपकरण हो सकता है, और पेन भी एक उपकरण है, और क्या है उपकरण, हमारी आंखें जब तक देखोगे नहीं किताब को तो कैसे पढ़ोगे, आंखें उपकरण हुई ना, देखोगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे, क्लास में सुनोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो क्या हुए, कान उपकरण हुआ, आंख उपकरण हुई, बोल बोल के रिवाइज करना है तो जिह्वा उपकरण हुई, है ना, किताबों को लेकर के हाथ में ही जाकर के बोझा ढोकर के लेकर के जाओगे तो हमारे हाथ भी उपकरण हुए, पैरों से चल करके जाओगे पैर उपकरण हुए, यानी कि हमारी सारी इंद्रियां उस कर्म को करोगे किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ही करोगे, यानी इंद्रियां उपकरण हुई। तो उस कार्य को अच्छे से करने के लिए उपकरण कैसी स्थिति में होनी चाहिए, अच्छी स्थिति में, क्वालिटी होना चाहिए उपकरण के भीतर है। अब मोबाइल चला चला करके आंखें हो चुकी है बिल्कुल एकदम चढ़ी हुई, और फिर लेकर के बैठोगे कुछ किताब पढ़ने के लिए, उपकरण को तो पहले ही आपने जो मिसयूज कर लिया है, उसे अपना कर्म कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। या भी कान को जो है आदत पड़ चुकी है कि जब तक जो है गाना नहीं चलेगा मोबाइल पे तब तक पढ़ाई नहीं होगी, है ना, तो कान को तो बेचारे को पहले ही मिसयूज कर लिया है गाना सुन करके, आंखों का मिसयूज कर लिया है पिक्चर देख कर, फिल्म देख करके, है तो वो आंख की इच्छा नहीं होगी अब बोर्ड पर देखने की, बोर्ड पर देखेगी भी आंख तो विचार कुछ और चलेगा, वो कान सुनेगा, वो कान में टीचर की आवाज नहीं जाएगी, कान में कुछ और ही चलता रहेगा। तो उपकरण अच्छी स्थिति में होने चाहिए, अर्थात कि हमारी इंद्रियां
अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, यानी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए व्यक्ति का सारा स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो, उसकी सारी इंद्रियां एकदम जो है काम करने की स्थिति में हो। और इंद्रियों में सबसे जो सटल इंद्री है, सूक्ष्म इंद्री, वो है हमारा माइंड। तो हमारा जो मन है, माइंड है, वो सबसे A1 क्वालिटी का होना चाहिए। अगर माइंड A1 क्वालिटी का नहीं है तो सब गड़बड़ कर देगा। सबसे खतरनाक उपकरण है, सबसे अच्छा उपकरण है ये मन। जिसको इसको ठीक से उपयोग करना आता है वो सबसे बड़े से बड़े कार्य भी कर सकता है, और जिसको उपयोग करना नहीं आता है वो उसका जो मन है उससे उल्टे ही काम करवाता है, उल्टे काम करवा करके उसे गलत आदतों में या गलत कार्यों में लिप्त कर दे। हरे कृष्ण। तो मन भी क्या हुआ, मन भी एक उपकरण हुआ। तो उपकरण को क्या करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी में रखना पड़ेगा काम करने के लिए। तो कितने कारण हो गए कर्म के लिए, पहला क्या हुआ, पहला स्थान कर्म का स्थान, दूसरा कर्म करने वाला कर्ता, तीसरा उपकरण। तीन चीजें तो हुई जो कर्म के लिए आवश्यक है। अब कर्म करने वाला भी है, कर्म के लिए अच्छा स्थान भी है, उपकरण भी है, एक कर्म करने की इच्छा ही नहीं है। अच्छा कोचिंग में भी एडमिशन हो गया, रूम भी अच्छा है, स्वास्थ्य इंद्रियां वगैरह भी ठीक ठाक है, लेकिन इच्छा ही नहीं है कर्म करने की। तो चौथी चीज क्या होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए उस कर्म को करने की। क्या वास्तव में पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करने की इच्छा है कि नहीं, वो इच्छा भी होनी चाहिए। तो चौथा कारण है कर्म को करवाने का, वो है इच्छा। और पांचवा कारण है कर्म को ठीक प्रकार से करवाने का, वो है परमात्मा, अर्थात कि भगवान है। भगवान नहीं चाहते तो कितना एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, नहीं होएगा कर्म। और भगवान चाहे तो धीरे धीरे चीजें होने लगेंगी। तो किसी भी कर्म को करने के लिए पांच फैक्टर जिम्मेदार हैं। कौन कौन से, पहला कौन सा हुआ, कर्म का स्थान, दूसरा कर्ता, इच्छा, पांचवा भगवान। तो जिस व्यक्ति के जीवन में पांचों ही कारण जो है अगर फेवरेबल सिचुएशन में है तो उसका कर्म इतनी सरलता से हो जाएगा, सारे कार्य बिना किसी बाधा के होते चले जाएंगे, कर्म अच्छे से करेगा अपने आप। अगर ये पांचों ही कारण उसने अपने फेवर में रखे हुए हैं तो, है ना, उसकी इच्छा भी भरपूर है, भरपूर इच्छा होती है उसकी पढ़ने की। जैसे खाली टाइम मिलता है तुरंत बुक उठा लेता है, एक बुक से बोर होएगा दूसरी उठा लेगा, पढ़ाई के अलावा उसकी कोई इच्छा ही नहीं हो रही। ऐसी तो बहुत आइडियल स्थिति, अगर ऐसी स्थिति हो जाए, है ना। और उसके उपकरण भी एकदम परफेक्ट है, इंद्रियां एकदम परफेक्ट है, इधर उधर उसकी इंद्रियां जाती ही नहीं है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि इधर उधर जाऊं, जाकर के जो घूम पर घूम के आऊं, टाइम पास करके आऊं, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि इधर उधर जाकर के जो है कुछ जो है चाट पकौड़ी खा करके आऊं, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि ऐसे ही जाकर के मंडरा हूं, है ना। यानी उसके उपकरण एकदम सही स्थिति में है, हैं, वो एकदम हमेशा तैयार रहते हैं अपने कर्म को करने के लिए। तो इंद्रियां हमारी A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण नियंत्रित होनी चाहिए, मन पूर्ण नियंत्रित होना चाहिए, उपकरण ठीक होने चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जिसके पांचों ही कारण एकदम फेवरेबल हैं वो तो किसी भी कर्म को करने में रुकेगा नहीं, अच्छे से अपने कर्म को करेगा। पढ़ाई का कर्म कर रहा है तो वो अच्छे से करेगा, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है उसको एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। तो किसी भी ड्यूटी को या कर्म को एग्जीक्यूट करने में अगर हमें क्वालिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन पांचों कारणों को अपने फेवर में करना पड़ेगा, हैं, इंद्रियों को अर्थात अपनी इंद्रियों की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, इच्छा को मजबूत करना पड़ेगा। अभी तो इच्छाएं पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं, पढ़ाई करते करते और भी इच्छा आ जाती है, अरे यार थोड़ा जो है अभी थोड़ा वेट कम हो गया है, थोड़ा बॉडी भी बना लेता हूँ, कोटा आया हूँ तो यहाँ पे जिम भी अच्छे अच्छे खुल गए हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, चलो थोड़ा अच्छा कपड़ा खरीद लेता हूँ, अच्छे अच्छे मॉल्स भी खुले हुए हैं। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट एरिया में होते हैं, स्टूडेंट एरिया में अच्छा जिम भी होगा, स्टूडेंट एरिया में अच्छा मॉल भी खोल के रखे हैं, सारे वो संसाधन आपके लिए जुटा करके रखे हैं जो आपकी इच्छा को पढ़ाई के अलावा और जगह भी लेकर के जाए, है ना। आवश्यकता क्या है स्टूडेंट एरिया में, इन चीज़ों की आवश्यकता थोड़ी ना है। स्टूडेंट एरिया में शराब खाना भी खुला हुआ रहता है कि कभी कोई बेचारा दुख झेल रहा हो बहुत ज़्यादा तो आकर के थोड़ा जो है तसल्ली प्राप्त कर ले यहाँ आकर के, है ना। सारे इच्छाओं को इधर उधर दौड़ाने वाले सारे संसाधन भी मिल जाएंगे। हम तो इसको प्रोग्रेस मानते हैं, बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है साहब,
स्टूडेंट एरिया में सब कुछ है, शॉपिंग मॉल भी है, वहीं पे मूवी देखने के लिए थिएटर भी है, वहीं पे जो है वीडियो गेम बार भी है, सब कुछ मिल जाएगा। हम तो इसको प्रोग्रेस मानते हैं, है ना। लेकिन जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता के सूत्र जानते हैं, वो समझते हैं कि प्रोग्रेस नहीं है, केवल मन को भटकाने के साधन एकत्रित किए हुए हैं। पहले के समय, वैदिक समय में क्या होता था कि जितने भी शिक्षण संस्थान या सिखाने वाले जो गुरुकुल आदि हुआ करते थे, वो एकदम दूर कई सुनसान जगह पे होते थे, शहर से बिल्कुल दूर, जहां पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, जहां पे बच्चा बाहर निकल भी जाए तो वो जंगल ही जंगल दिखाई दे, तो कैसीनो मॉल थिएटर दिखाई नहीं दे, तो बेचारा लौट करके वापस अपने रूम में आ जाए, चुपचाप करके बुक उठा ले। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे दिखता संसाधन है मन को भटकाने वाले। इच्छा जो है, पढ़ाई की इच्छा के साथ साथ दूसरी इच्छाएं भी फिर अंदर जाने लगती है कि चलो आए हैं अभी तो, इतना सब कुछ यहाँ पे ऐसा वातावरण है, थोड़ा दूसरी इच्छाएं भी हम करने लग जाते हैं, फिर दूसरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं, तो इच्छाएं भी हमारी शुद्ध नहीं रह पाती, जुनून आ ही नहीं पाता है पढ़ने का, इस कार्य करने जुनून ही नहीं आ पाता है, तो लगता है कि आया है ठीक है टाइम पास करके जाना है, 2 साल के लिए भेज दिया है पेरेंट्स ने, टाइम पास करो निकलो, प्रयास ही नहीं करते हैं। सफलता तो बड़े आगे की बात है, प्रयास ही नहीं करते हैं, हैं? तो ये 5 कारण में से 4 कारण अपने हाथ में है, है ना। भगवान का छोड़ दो तो अपने हाथ में नहीं है भैया, उनकी जो इच्छा होगी करेंगे, 4 तो अपने हाथ में है। कर्म के स्थान का चयन करना अपने हाथ में है, कर्ता हम स्वयं हैं, तो प्रेजेंट रहना अपने हाथ में है कि कर्म के स्थान पे प्रेजेंट भी रहें, और तीसरा उपकरणों को ठीक रखना भी अपने हाथ में है कि अपने इंद्रियों को ठीक रखें। हाँ, ठीक रखने के लिए विधियां हैं, प्रोसेस है, उस प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा। चौथा है इच्छा करना भी हमारे हाथ में है, 5वां है भगवान हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनको भी वश में करना हमारे हाथ में है। भगवान किसे वश में किया जा सकता है, किसी को भी वश में करना है तो उसका क्या तरीका होता है, उसका उसका नाम लोगे बहुत ज्यादा तो ऐसे ही वो खुश हो जाएगा, है ना। इसमें राजेंद्र का 5 बार नाम ले दूंगा तो राजेंद्र खुश हो जाएगा, क्या तो प्रभु जी ने 5 बार मेरा नाम लिया क्लास में, फिर अलग से आके मिलेगा प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, आप तो मुझे पहले से जानते हो, है ना। किसी का नाम लेते बार बार तो खुश होता है ना, किसी का नाम याद रह जाए हमें, और नाम ले लें उसका, भीड़ में कहीं जा रहे हो उसका नाम ले दो दूर से, नवीन कैसा है, एकदम चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, इतनी अनजान जगह पे भी लोग मुझे जानते हैं, स्माइल आ जाएगी चेहरे पर हमारा नाम लेके पुकारे तो नाम लेने मात्र से उसके साथ हमें क्या लगता है, मित्रता का भाव आता है, संबंध का भाव आता है कि मेरे जान पहचान वाला है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो सारे गुण जो हमारे अंदर आए, अच्छे वाले गुण कहाँ से आए, भगवान से तो आए, क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता है उनका नाम लेते हैं, अरे यार मेरा नाम ले रहा है बैठ करके, कोई हीरो हीरोइन का नाम नहीं ले रहा है, कोई क्रिकेटर का नाम नहीं ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके, जाते भगवान। स्वाभाविक रूप से किसी को भी प्रसन्न करना है अगर संसार में, तो हम उसकी सेवा करें या उसके लिए टाइम निकालें। अगर कोई आपका ऐसा मित्र है जो रोज आपको टाइम निकाल करके 5 मिनट आपसे बात करे कॉल पे, तो उसके प्रति आपका क्या भाव रहेगा, ये भाव रहेगा ना मेरा शुभ चिंतक है, ही इज माई वेल विशर, ये मेरा वेल विशर है, रोज मुझे 5 मिनट देता है, रोज मुझे 10 मिनट देता है ना। तो वैसे अगर आप रोज 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके अगर भगवान के नाम का जप करोगे, कुछ समय अगर भगवान को दोगे, तो ये फीलिंग भगवान के अंदर भी, हमारे अंदर जो फीलिंग्स आई हैं वो किससे आई, भगवान से आई, भगवान कोई जड़ पदार्थ नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, थिंकिंग नहीं है, भगवान के अंदर सारे गुण अनंत मात्रा में, उनके अंदर फीलिंग्स हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, हमारे अंदर फीलिंग आई ही भगवान से है, भगवान में फीलिंग इनफाइनाइट क्वांटिटी में होती है, हमारे अंदर थोड़ी सी मात्रा में है। जैसे कि समुद्र होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, और समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो 1 लोटे पानी का स्वाद होगा खारा ही होगा, समुद्र का पानी भी खारा है, उसमें से निकालने वाली 1 का स्वाद कैसा होगा, खारा ही होगा, यानी दोनों का क्वालिटी कैसा है, सेम है, दोनों ही खा रहे हैं, अंतर किस चीज का है, क्वांटिटी का अंतर है, समुद्र अनंत है, उसमें से निकलने वाला 1 लोटा जो पानी तो कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा। तो उसी प्रकार भगवान अनंत हैं, उनके अंदर सारे गुण अनंत मात्रा में हैं, हैं। हम उनके अंश हैं, तो अंश होने के कारण वो सारे गुण हमारे अंदर लिमिटेड फॉर्म में हैं,
सब लिमिटेड है। हम सुख का प्रदर्शन भी ज्यादा नहीं कर सकते। कितना सुख का प्रदर्शन कर लो, मान लो आपको बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, उसको कितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो? थोड़ा उछल लोगे, थोड़ा नाच लोगे, थोड़ा हा हा करके थोड़ी देर हंसोगे, वो थोड़ी देर बाद मुंह में दर्द होने लग जाएगा हंसते हंसते। वैसा होता है ना कई बार, हंसते दर्द करने लग जाता है, पेट दर्द करने लग जाता है। यानी हम इतने लिमिटेड वर्जन है कि हम तो सुख को भी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। थोड़ी देर में हमारा जो है इंद्रियां, हमारा शरीर जवाब दे देता है। या दुख भी होता है तो दुख को कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं? बहुत एक्सट्रीम दुख होता है तो थोड़ा आंसू आ जाएगा निकल करके, और वो आते आते यहाँ आते आते तो सूख जाएगा। उसको भी हम जो है चाहे कि मैं और दुख प्रकट करूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं संसार को दिखाऊं कि दुख हो। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको दुख हो रहा, आप चाह रहे हो आंसू आए लेकिन आते नहीं, नाले निकल ही नहीं रहे, इतना निकल। हुआ कभी ऐसा? ऐसा तो हुआ कई बार कि आंसू निकलते नहीं है, समय पे तो कभी नहीं निकलते। किसी को दिखाने के लिए निकाल लें तब तो टाइम पे कभी नहीं निकलते कि मम्मी पापा के सामने निकलने चाहिए कि मैं कितने दुख में रह रहा हूँ, उस टाइम भी बिल्कुल नहीं निकलते। तो इतने लिमिटेड वर्जन है हम लोग, जितने भी जीव हैं संसार में। मनुष्य के पास फिर भी छूट है थोड़ी, जानवर तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मनुष्य को जो आनंद होता है, कुछ अच्छा लगता है तो हंस के उसको जो है एक्सप्रेस कर देता है। अब कुत्ते को आनंद हो तो कुत्ता कभी हंसते हुए देखा? वो बेचारा तो हंस भी नहीं सकता, उसके पास तो एक्सेस ही नहीं है बिल्कुल ही, वो तो और लिमिटेड वर्जन है, वो तो हंस भी नहीं सकता। वो अपनी खुशी कैसे प्रदर्शित करता है? थोड़े पूंछ हिला देगा, थोड़े आगे के पैर ऊपर नीचे मार देगा, वो ऐसे ही कर सकता है, वो हंस नहीं सकता। फिर और दूसरे जानवरों में जाएंगे तो बिल्कुल ही लिमिटेड वर्जन है। जैसे छोटे मोटे कीड़े पतंग, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते तो बिल्कुल ही प्रदर्शित नहीं कर सकते। मनुष्य के पास थोड़ी छूट है, हंस लेता है, थोड़ा रो लेता है, थोड़ा जो खुशी मना लेता है, नाच लेता है, गा लेता है। भगवान अनलिमिटेड वर्जन है, भगवान अनलिमिटेड है। तो भगवान अनलिमिटेड है, उनके पार्ट एंड पार्सल होने के कारण, उनके अंश होने के कारण हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। तो स्वाभाविक रूप से संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, भावनाएं प्रदर्शित करते हैं, किसी का नाम लेना, किसी को समय देना, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अपनेपन का भाव आता है। वैसे भगवान को समय देते हैं तो भगवान के मन में भी, भगवान भी हमें अपना समझते। देखो बेचारा इतना बिजी है, इतना बिजी है, इसको 8 घंटे कोचिंग क्लास जाना है, फिर 6 घंटे इसको सेल्फ स्टडी भी करनी है, बेचारा सोता केवल 5 ही घंटे है, खाता भी जितनी जल्दी है 1/2 घंटे में ही खा लेता है, और समय पर सो जाता है, समय पर उठ जाता है। कितना आइडियल ये बच्चा है, और फिर मुझे भी समय निकाल करके 10 मिनट दे रहा है। भगवान तो इतना एटीट्यूड फील करते हैं। कभी आप कहीं जा रहे हो, जैसे कोटा आप लोग के लिए अनजान शहर है, मान लो कहीं अनजान सड़क पे चले गए और वहां से आपको हॉस्टल जाना है, रात है, कोई आपको साधन नहीं मिल रहा है, ऐसे में कोई व्यक्ति बाइक लेकर के आए और आपसे बोले कि बेटा चलो बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहां जाना है, हैं? तो कैसा भाव आएगा आपके उसके प्रति? ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, कितना ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा, कितना ज्यादा। वो जब भी मिलेंगे हमें, थैंक यू अंकल आपने उस दिन मुझे छोड़ा, थैंक यू अंकल, ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा ना? कोई आपके लिए कुछ करे तो ग्रेटिट्यूड का भाव आता है? तो हम तो कितना ही ग्रेटिट्यूड दिखा लेंगे, ज्यादा ज्यादा थैंक यू बोल देंगे, इससे ज्यादा क्या ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। लेकिन जब भगवान के लिए हम कुछ करते हैं ना, तो चूंकि भगवान अनलिमिटेड हैं, तो भगवान जब ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो अनलिमिटेड ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि इसने मेरे लिए 5 मिनट निकाले थे, इसने मेरे लिए 10 मिनट का समय दिया था, ये मंदिर आया था मेरे दर्शन के लिए बैठ करके, इसने मेरे लिए जो है एक माला का जप किया था, इतने अपने बिजी शेड्यूल में इसको मस्ती भी करना है, इसको मोबाइल भी चलाना है बेचारे को, फेसबुक व्हाट्सअप सब चलाना है, इतने में इसने मेरे लिए 10 मिनट निकाले। इतना भगवान ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि मैं अब इसके साथ हमेशा, नोट कर लेते हैं उस समय नाम है। ऐसा हुआ कि एक बार जो है भगवान राम अपने बैठे थे और 2 डायरियां लेकर के बैठे थे, डायरियां रखी थी कुछ उनके पास, तो डायरी में कुछ नोट कर रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ नोट कर रहे थे। हनुमान जी उसे समय आए, हनुमान जी ने आके भगवान से पूछा कि भगवान, बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि भगवान ये आज क्या कर रहे हैं, अभी क्या डायरी है, इस डायरी में क्या लिखा है, ऐसा क्या पढ़ रहा है? तो भगवान ने बोला कि जो डायरी में देख रहा हूँ, मेरे सारे भक्तों के नाम में, जो हमेशा मुझे याद करते रहते हैं ना, उन सब भक्तों के नाम मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो हनुमान जी को तो बड़ा आनंद आ गया कि मैं भी तो भगवान को याद करता रहता हूँ, मेरा भी नाम इस डायरी में होगा। तो बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज, ये थोड़ी देर के लिए डायरी मिलेगी मेरे को 5 मिनट, मुझे थोड़ा देखना है। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी ने डायरी उठाई
और सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर से सारे उनके भक्तों के नाम लिखे हुए थे, ए से अम्बरीश महाराज, ए फोर अंगद, ऐसे अलग अलग नाम लिखे हुए थे भगवान के भक्तों के। तो हनुमान जी सोचे वाह ए पे ये नाम है, बी वाले ये हैं, सी फोर इतने सारे भगवान के भक्त हैं, डी वाले एच फोर हनुमान तो जरूर होगा, मजा आएगा। तो डायरी को ऐसे पेज पलटते चले गए। अब एच पे आए, एच पे भी कई भक्तों के नाम लिखे, हनुमान कहीं दिखाई नहीं दिया, चश्मा लगा करके देखिए हनुमान नहीं दिखाई दे रहा है, सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। फिर तभी उनको याद आया, अरे यार मेरा नाम तो केसरी नंदन भी है, हो सकता है केसरी नंदन नाम लिखा हुआ, के फोर देखता हूँ, एच आई जे के पे गए, केसरी नंदन में नहीं मिला। महावीर भी ऐसा एम फोर महावीर लिख दिया होगा, एम पे जाकर के देखा एम फोर महावीर भी नहीं मिला। पूरा डायरी छान मारा, हनुमान जी का नाम मेंशन ही नहीं था उसमें। तो बड़े थोड़े दुखी हो गए, थोड़ा उनको झिझक हो रहा था, कैसे पूछूं भगवान से मैं बात, पूछना तो पड़ेगा, अंदर उनके रहा नहीं जा रहा था। बोला भगवान एक थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? क्या कुछ भूल तो नहीं गए कहीं? क्या ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है डायरी में? नहीं नहीं कुछ मिसिंग नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ मिस करता हूँ? नहीं नहीं शास्त्र तो ये बताते हैं आप परफेक्ट हैं, आपसे कुछ मिस होता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ मिस हो गया है। कि क्या मिस हो गया तुम बता दो, कि मेरा नाम नहीं दिख रहा है इसमें। मैं तो आपको 24 घंटे याद करता रहा, मेरा नाम कहीं दिख नहीं रहा है इसमें डायरी में। तो बोलो अच्छा अच्छा ओके ओके, अच्छा ये डायरी तो वो है जो मुझे याद करते रहते हैं दिन भर, इसमें उनके नाम है। ये दूसरी डायरी जो है ना, इसमें तुम्हारा नाम है, इसमें वो नाम है जिनको मैं याद करता रहता हूँ। तो हनुमान जी गुस्से में, अच्छा ऐसी बात है क्या? दूसरी डायरी में जो है बड़ा बड़ा लिखा था ए छोर हनुमान, हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं। तो भगवान उन भक्तों को स्वयं याद करते हैं जो भगवान के लिए किसी भी प्रकार से समय देते हैं, सेवा करते हैं। हनुमान जी से बड़ा सेवक तो कोई नहीं हुआ होगा भगवान का। भगवान के इतने सारे भक्त हुए, हनुमान जी से इकलौते भक्त हैं जिन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ, अपनी सेवा का उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ कि मैं हनुमान, मैंने भगवान का इतना सेवा किया है, ऐसा अहंकार उन्हें कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े भक्तों को अहंकार हो गया है। द्वापर युग में वर्णन आता है कि जितने भी भगवान के भक्त थे सबको अहंकार हो गया। एक बार भगवान की 16,108 रानियां थी, कितनी 16,108 के, ऐसा नहीं था कि एक ही कृष्ण जो है सबके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं था। भगवान 16,108 रूपों में सभी के साथ अलग अलग महलों में रहते थे। तो उनमें से एक रानी थी, उनका नाम था सत्यभामा, सत्यभामा नाम था। तो सत्यभामा को बड़ा अहंकार था कि मैं भगवान की सबसे प्रिय रानी हूँ, मैं सर्वाधिक सुंदर हूँ, ऐसा अहंकार था। तो भगवान ने जो है हनुमान जी को थोड़ा एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था, एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था कि भाई जिनको भी अहंकार हो रखा है उनका सबको अहंकार तुम्हें तोड़ना है। इस प्रोजेक्ट पे हनुमान जी जो है आए हुए थे भगवान की द्वारिका नगरी में। तो हनुमान जी जब द्वारिका में पहुंचे तो भगवान ने सत्यभामा से बोला, सत्यभामा मेरा जो भक्त आया हुआ है, जब मैं राम बन करके आया था तब इसने मेरी बड़ी सेवा की थी, हनुमान आए हुए हैं। तो सत्यभामा ने बोला तो बड़ी अच्छी बात है, हनुमान जी आए हुए तो बहुत अच्छा है, मैं उनका अच्छे से उनको अच्छे से स्वागत करूंगी, अच्छे से उनको जो है भोजन करवाएंगे, अच्छे से उनका जो है स्वागत सत्कार करेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है कि उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक थोड़ी समस्या आएगी। क्या समस्या है? कि जब हनुमान जी आएंगे ना, उन्हें मेरा एक ही रूप सबसे ज्यादा पसंद है, राम रूप। तो मेरे राम रूप के ही भक्त हैं, अगर राम रूप के वो दर्शन नहीं करते तो थोड़े असंतुष्ट रहते हैं। तो आकर के मुझसे यही जिज्ञासा करेंगे कि भगवान मुझे अपने राम रूप के दर्शन करा दो, धनुर्धारी बन जाओ। तो सत्य बाबा ने बोला तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, बन जाना, थोड़ा अपना गेटअप चेंज करके आ जाना, अब राम बन करके बैठ जाना। तो लंबे तो राम बन जाऊंगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो माता सीता को भी देखना चाहेगा, सीता को भी देखना चाहेगा। तो सत्यभामा बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं तो सही, मैं कोई माता सीता जब हुई होंगी तेता में उनसे क्या कम हूं क्या सुंदर, मैं हूं ना, मैं बैठ जाऊंगी आपके साथ एकदम, मैं देख लूंगी पूरा पढ़ लूंगी रामायण में से भी सीता माता किस तरह के कपड़े पहनती थी, कैसा वो गेटअप बनाती थी, मैं बैठ जाऊंगी आपके साथ। तो पक्का तुम बैठ जाओगी ना? कि रुक्मणी वगैरह को, अरे रुक्मणी वगैरह को छोड़ो, मैं बैठूंगी ना, मैं आपके साथ बैठूंगी, चिंता मत करो, हनुमान जी हमारे दर्शन करके एकदम गदगद हो जाएंगे। तो हनुमान जी आए, प्रवेश किया, भगवान पहले ही अपना रूप राम रूप में बन चुके थे। तो श्याम रंग के भगवान श्री कृष्ण हैं, वो राम रूप में उनका रंग जो है थोड़ा थोड़ा हरित रूप है, हल्का उनके रंग में थोड़ा हरापन है। तो तुरंत उन्होंने अपना स्वरूप परिवर्तित किया, हाथ में धनुष लिया और अपने सिंहासन पे विराजमान है।
और सत्यभामा भी एकदम बिल्कुल माता सीता की तरह से हाथ करके स्माइल करके बैठ गई थी, वो भी साथ में बैठ गई। हनुमान जी आते ही सबसे पहले वो सीधा दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके जो है भगवान राम की तरफ देख करके एकदम आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, हे भगवान श्री रामचंद्र आपकी जय जयकार हो, एकदम आनंद में है। फिर इधर से आंखों का सॉकेट घूमते हुए, कैमरा घूमते हुए साइड में पहुंचा, भगवान ने किसको बिठा लिया आपने साथ में, माता सीता कहाँ है? ऐसे बोलते ही सत्य भामा का वो अहंकार वही चूर चूर हो गया। वो तो बेचारी बैठी थी सोच करके कि हनुमान जी मेरे दर्शन करके एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को भक्तों में अहंकार कभी पसंद नहीं होता है, और भगवान भक्तों के प्रति इतना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं जो थोड़ा भी उनके लिए कुछ कर दे। इसका उदाहरण कौन है? गिलहरी इसका उदाहरण है। तो हनुमान जी वगैरह सारे वानर, बड़े बड़े वानर, बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े पर्वत उखाड़ उखाड़ करके राम सेतु बना रहे थे। उसी टाइम पे क्या था, एक छोटी सी गिलहरी भी जाती थी समुद्र के अंदर जाकर के जो है गीली होती थी, स्नान करती थी और आकर के रेत के ऊपर आकर के लोटपोट होती थी। फिर उसके कुछ रेत के कण जो है उसके ऊपर चिपक जाते थे, तो फिर पुल के ऊपर जाती थी और ऐसे ऐसे हिल हिल करके सारी रेत झाड़ देती थी। तो बार बार उन वानरों के बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े वानर उनके पैरों में आकर के जाती थी, ऐसे हिल हिल करके पूरा रेत झाड़ करके फिर आ जाती थी। फिर तो डिस्टर्ब कर रही है बीच में, हट नालायक कहेंगी, जैसे साइड में छोटी सी चिपका क्या थी वो गिलहरी कहेंगी साइड में हट डिस्टर्ब क्यों कर रही है, तो मैं भी तो सेवा कर रही हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ पुल बनाने में सेवा कर रही हूँ, बिलजारी बोली अपनी भाषा में। तो वानर लोग बोले तू सेवा कर रही है, देख इतने बड़े बड़े पत्थर लगते हैं पुल बनाने में, तू क्या लेकर के आ रही है, दो तीन रेत के दाने डाल करके सोच रही तू सेवा कर रही है। तो बेचारी बड़ी दुखी हो गई, दुखी होकर के बैठी थी किनारे पे हैं। तो एक वानर ने जाके शिकायत कर दिया भगवान से कि भगवान ने इसको थोड़ा गिलहरी को दूर कर दीजिए, ये जो है डिस्टर्ब कर रही है, हमको सेवा नहीं करने देगी। तो भगवान बड़े प्रेम से उसके पास गए, भगवान ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और बोले वानरों से कि तुम लोग अपनी योग्यता के अनुसार भी 100% नहीं दे रहे होंगे, तुम्हारी अगर क्षमता होगी 2000 किलो का पत्थर उठाने की तो तुम 1000 किलो का ही उठा के ला रहे हो, यानी 50% ही अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हो। इस बेचारी गिलहरी की कोई क्षमता नहीं है, एक दाना दो दाना उठाने की भी क्षमता नहीं है, फिर भी अपने शरीर पे सारे रेत के दाने उठा करके लेके आ रही है, यानी कि ये अपनी क्षमता से भी 400-500 गुना ज़्यादा काम कर रही है। तो अगर देखा जाए मेरी नज़रों में तो ये ज़्यादा सेवा कर रही है, इससे ज़्यादा सेवा कोई नहीं कर रहा है। तो भगवान क्या देखते हैं, हमारा एफर्ट देखते हैं, रिजल्ट भगवान कभी नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं एफर्ट। लेकिन संसार उल्टा है, संसार में क्या देखा जाता है, रिजल्ट देखा जाता है, एफर्ट नहीं देखा जाता। अब कितना ही खट लो मर लो, 10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, मार्क्स शीट पे अगर मार्क्स नहीं दिखे तो सब नालायक कहीं का पढ़ा नहीं होगा इसने मूवी देखा होगा, तो संसार उल्टा है तो भी क्या करें। भगवान एफर्ट देखते हैं, संसार रिजल्ट देखता है। आप पढ़े हुए हो कि नहीं, अगर पढ़े हुए नहीं हो लेकिन मार्क्स एकदम चकाचक आ जाए तो क्या होगा, बात बोले नहीं पढ़ा था मैं, ऐसी बात थोड़ी ना है, बोले तुक्के में आ गया अलग बात है, बोले कि पढ़ा था। तो संसार में रिजल्ट भी देखा जाता है एफर्ट के साथ, भगवान से भी एफर्ट देखते हैं। तो जब हम भगवान के लिए एफर्ट करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कुछ भगवान को देते हैं, तो भगवान इतना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं जैसे उस गिलहरी को अपने हाथ में उठा लिया और उठा करके बड़े प्रेम से उस पर हाथ घुमाया, बड़े प्रेम से हाथ घुमाया। और ऐसा बताया जाता है, वर्णन आता है कि केवल भारत की गिलहरियों की शरीर पे 3 धारियां मिलती हैं। अब बाहर का इसका आप देख सकते हो, कभी जो डिस्कवरी चैनल ज्योग्राफी आते हैं, बाहर की जो गिलहरियां होती हैं, भारत के बाहर की जो गिलहरियां हैं, उन पे वो लाइंस नहीं पाई जाती, उनका पूरा DNA पूरा ही अलग होता है, उन पे वो लाइंस नहीं पाई जाती, भारत की गिलहरियों पे लाइंस पाई जाती है। तो बताया जाता है शास्त्रों में, भगवान ने जो उस गिलहरी को हाथ में उठा करके बड़े प्रेम से उस पे जो है हाथ घुमाया, भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से उसके ऊपर बड़ी सुंदर वो लाइनें बना दी। इसलिए भारत में जन्म लेने वाली हर गिलहरी पे भी लाइंस मिलती हैं, है ना, सुंदर लगती है लाइंस। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये था कि अगर हम थोड़ा भी समय भगवान के लिए देते हैं, ज़्यादा नहीं गिलहरी के समान थोड़ा भी दे देते हैं, अब कुछ समय कुछ कार्य भगवान के लिए कर देते हैं, तो भगवान इतना अधिक कृतार्थ या कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड का अनुभव करते हैं कि हमेशा हमारे साथ, हमारी मुश्किल परिस्थितियों में, हमारे सारे कार्यों को सफलता में पहुंचाने में भगवान पूरा योगदान देते हैं, गारंटीड साथ में रहते हैं। पूर्ण अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास ऐसा होना चाहिए, वो बोले हैं अनन्य चिंतन तमाम योजना परिउपासते ते साम नित्य अभियुक्ता नाम योग से वाम्यम, जो मेरे नाम में लगाए, जो मेरा नाम जप करता है, मेरा चिंतन करता है,
है, मैं उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता हूं और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। जो भगवान का संकल्प है, जो भगवान बोले हैं है, तो इस बात पे हमें पूर्ण अटूट श्रद्धा रखना चाहिए और भगवान के लिए समय निकालना चाहिए है। और कलयुग में सबसे पावरफुल विधि एक ही है, कई बार बोला है अगरबत्ती लगा पाओ कि नहीं लगा पाओ, दीपक भगवान को लगा पाओ कि नहीं लगा पाओ, वो सब साइड की चीजें हैं। कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलो नस्तेव 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 गतिर अन्यथा, भगवान के नामों का जप करना। भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ कीजिए और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली आप जो है अपने व्यवहार में अपनी एफिशिएंसी में अंतर देखोगे। समय लगेगा, एक महीना लग सकता है, दो महीना लग सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अंतर दिखाई देगा। अपना फोकस्ड एफर्ट होंगे, अपने पढ़ाई में थोड़ा मन लगने लगेगा, या मन लगे या न लगे कम से कम खुश तो रहोगे। चलो कोई टेंशन नहीं, जितना हो रहा है कर लो, दुखी तो नहीं होगे कम से कम, गलत आदतों की तरफ तो नहीं जाओगे कम से कम, चरित्र की तो भगवान कम से कम रक्षा कर ही लेंगे, है ना। लेकिन अगर प्रयास करें ठीक से एफर्ट, जो 5 चीजें बताई उस पर अगर ठीक से कार्य करें, तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हमारे लिए असंभव है करना, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का, एक प्रश्न हम ले सकते हैं, कोई प्रश्न किसी का हो तो। प्रश्न नहीं है तो हम जो है 5 मिनट हम कीर्तन करते हैं, 5 मिनट के लिए हम सब कीर्तन पूछे। आप कह रहे हो कि अगर हमें दुख होता है तो हम और दुखी रहना चाहते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा लगता है कि जो दुख होता है ना, दुख होएगा इतना सा, दुख होता है राय के बराबर, और दुख को प्रदर्शित करता है पहाड़ के बराबर। बस अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, मैं तो जीवन का दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ, मैं तो देवदास क्या, देवदास से भी 4 गुना ज्यादा दुखी हूँ, इतना ज्यादा दुखी अब तो कुछ रहा ही नहीं। कभी कभी उस दुख का ही आनंद लेने लग जाते हैं, एकदम कोने में जाके बैठ जाएंगे, एकदम उकड़ू मुकड़ू होकर के लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, अभी विचार करते रहते हैं, हाय हाय मेरे ही जीवन में सब कुछ हुआ है, मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, मेरे ही साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा किया जाता है, अपने आप को उसमें महान बनाने का प्रयास करते हैं, मैं कितना महान हूँ, मेरे ही साथ होता है। अल्टीमेटली हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट हम स्वयं रहते हैं, दुख होएगा तो उसमें भी स्वयं को सेंटर में रखेंगे, मेरे ही साथ होता है, मेरे ही साथ होता है, लगता है मैं ही स्पेशल हूँ। जब सुख मिलता है तो मेरे को ही मिल रहा है, मेरे को ही मिल रहा है, मैं ही सबसे स्पेशल हूँ। दोनों ही केस में हम सेंटर ऑफ पॉइंट किसको रखते हैं, खुद को रखते हैं और टाइम खराब करते हैं, इसलिए भगवान ने फिलोसफी पहले ही बता दिया अर्जुन को, अर्जुन सुख भी आएगा दुख भी आएगा, दोनों चीजों में ज्यादा सेंटी होने की आवश्यकता नहीं, सुख आ गया तो थैंक यू भगवान आ गया, दुख आ गया तो कोई बात नहीं चला जाएगा वापस सुख आ जाएगा, सेंटी होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सेंटी मत हो जाना। अर्जुन को पहले भगवान ने बोल दिया सहन करना, दुख आ जाए तो दुख को सहन कर लेना, सुख आ जाए तो सुख को सहन कर लेना, सेंटी होने की जरूरत नहीं, हम जीवन में सेंटी हो जाते हैं, है ना, अभी परेशान होते हैं, टाइम खराब करते हैं। तो ये जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा, दुख कभी बुलाने से आता है। कितने लोग हैं जो आकर एक घंटी बजाते बोलते हैं भगवान थोड़ा दुख दे दो, 1 महीने से बड़ा सुख आ रहा है, कितने आते प्रार्थना किया है ऐसा, सुख की प्रार्थना करते हैं, जब दुख की प्रार्थना नहीं करते फिर भी दुख आ जाता है, तो सुख की भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सुख भी अपने आप आएगा, केवल अपना कर्म करते रहो। जैसे दुख आता है सुख भी आएगा, और सुख आया तो फिर वापस दुख भी आएगा, ऐसा भी कभी नहीं रहने वाला है, लाइन ऐसे नहीं चलेगी कॉन्स्टेंट, ग्राफ ऐसे नहीं चलेगा, ग्राफ साइन वेव की तरह चलेगा, सुख आया दुख आ गया, दुख आया है वापस सुख आ गया, ये ऐसे चलेगा। तो इसलिए सुख और दुख पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपने कर्म पे फोकस करना है, इन 5 चीजों पे फोकस करना है जो आज हमने चर्चा किया है ना, ठीक है ब्रो। हरे कृष्ण। तो अभी हम सब खड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी जो है दरी समेट करके साइड में रख दीजिए, 5 मिनट जो है अच्छे से हम जो है कीर्तन करेंगे।